जेम्स बॉन्ड के मूवी को नहीं देखता? क्या आप देखते हो तो जान ले आने वाली मूवी कौन सी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना है, जेम्स बॉन्ड 007 ये काफी चर्चा में आने वाली मूवी और सीरीज है। ऐसा मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप जब कॉलेज में होंगे तब से लेके अब तक इनके बहुत सारे मूवी आए हैं, या फिर कह सकते हो आप जन्मे भी नहीं होंगे तब से इनकी मूवी हमारे बीच है। दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की कई सारी मूवी रिलीज हुई थी, वो भी 1962 से लेकर 2015 तक। चलो फिर एक नज़र डालते हैं। इनकी मूवी का टोटल आंकड़ा है 24 नंबर्स। और अगर बात की जाए बॉन्ड एक्टर की तो ये सालों से बदलते आ रहे हैं। 1962 से 1971 तक बॉन्ड का किरदार निभाया था सियन कॉनरी ने, उसके बाद 1973 से 1985 तक रोजर मूरे थे, फिर 1987 से 1989 के सालों में थे टिमोथी डाल्टन, फिर से 1995 से लेके 2002 तक पियर्स ब्रोसनान, और 2006 से लेके 2015 तक जिन्होंने बॉन्ड का किरदार निभाया वो है डेनियल क्रेग। और 2015 में इनकी मूवी जो कि सुपरहिट गई थी वो है स्पेक्ट्रे 2015, पर उससे भी ज्यादा सुपरहिट जाने वाली मूवी थी 2012 की स्काईफॉल। और अब इन सब सुपरहिट जेम्स बॉन्ड के फिल्मों के बाद अब जो आने वाली मूवी है वे है नो टाइम टू डाई 2021, और इसका भी किरदार निभाएंगे डेनियल क्रेग। यहाँ पे जब मूवी का विलेन जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एक खतरनाक आर्मी से लैस होता है, और विलेन जब यहाँ पर एक साइंटिस्ट और ग्लोब ट्रोटिंग को किडनैप कर लेता है, तब जेम्स बॉन्ड इनका रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जासूसी करते हैं और अपने मिशन और अपने काम को खत्म करते हैं। दोस्तों, यहाँ मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये मूवी 12 नवंबर 2020 को रिलीज होने वाली थी, पर अब इसे आप 2 अप्रैल 2021 को आपकी नजदीक की सिनेमा हॉल में देख पाएंगे। तब तक के लिए फैंस को सब्र तो करना पड़ेगा।